खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, कोरोना को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक। बता दें टीम 11 के साथ ये बैठक कर रहे हैं और कोरोना के रोकथाम को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें विभिन्न जिलों के 5 धर्म गुरुओं के साथ संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सीएम योगी लगातार सक्रिय है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समीक्षा बैठक के दौरान, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आपको बता दें टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर बेहद गंभीर स्थिति बन चुकी है। ऐसे में कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, लगातार सीएम योगी इसी पर विचार कर रहे हैं। संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लाइव। एस के आपसे जानेंगे, समीक्षा बैठक चल रही है फिलहाल, अगर हम बात करें इसमें मौजूद लोगों की, कौन कौन मौजूद और क्या कुछ खास सामने आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लॉकडाउन से लेकर अभी तक यह पहला मौका है जब सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक वर्चुअली कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग अपने आवास से इस में जुड़े हैं और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है तो इसमें डीजीपी एससी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, उसके अलावा जो बाकी के अफसर हैं, चाहे वो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन हो या उसके अलावा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य हो या अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास हो, अपर मुख्य सचिव सीएम हो, सभी इस बैठक का हिस्सा है। उसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअल यह बैठक कर रहे हैं और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने टीम के सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिलों में अब कोरोना को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो 13 जिलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि वहां पर आईएएस अफसरों की तैनाती की जाए जो कि नोडल अफसर के तौर पर तैनात करेंगे और जिलों में उठाए गए कदमों की जानकारी पल पर मुख्यालय लखनऊ को प्रदान कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें जो 13 जिले सेलेक्ट किए गए थे जिसमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, ये वो जिले हैं जो कि कहीं ना कहीं जिसमें लगातार कोरोना के केसेस प्रतिदिन अगर हम देखें तो 500 से प्लस में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन जिलों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। उसके अलावा जिस तरीके से इस समय टीका उत्सव चल रहा है जो कि 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उसकी अब तक की अद्यतन स्थिति क्या है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं। और जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जाए जहां आईसीयू और बाकी बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ठीक, लेवल 3 के मरीज हैं उनको हर स्थिति में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो उसकी अब तक की स्थिति क्या है उसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार जी का काम, साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम, उसके अलावा जो लोग बाहर से लौटे हैं उनकी जांच निश्चित तौर पर कराने और साथ ही साथ रेलवे और बस स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क बनाकर ऐसे सभी यात्रियों की जांच कराने जो कि बाहर किसी भी प्रदेश से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे दिशा निर्देशों पर अब तक कितना काम हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका फीडबैक ले रहे हैं। जहां तक हम देखें तो आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके अलावा 14 तारीख से उत्तर प्रदेश में रमजान भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां ये निर्देश थे कि जो भी धर्मस्थल है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाए, 5 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी धर्मस्थल पर प्रवेश ना करें, उसको लेकर जिला स्तर पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम कहें कि दर्जन भर से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो उस नाइट कर्फ्यू को लेकर अफसरों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, रात में सख्ती की क्या स्थिति है, कहां कहां पर किस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं, उस जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में ले रहे हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ चर्चा कर रहे हैं और निश्चित है कि इसमें जिस तरीके का फीडबैक आएगा उसके बाद आगे का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे जो पूरे प्रदेश भर के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना को किस तरीके से रोका जाए उसके लिए हर दिशा में मुख्यमंत्री काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर हो, बेड्स की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन हो या उसके अलावा सख्ती से गाइडलाइन को पालन कराने को लेकर हो। जी ठीक है, चलिए इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से खबर, अंबेडकर जयंती पर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ेगा, सपा की दलित दिवाली के जवाब में बीजेपी का कार्यक्रम है। बता दें अंबेडकर जयंती पर बीजेपी 2 दिवसीय कार्यक्रम करेगी, बीजेपी समरसता दिवस के रूप में मनाएगी अंबेडकर जयंती को।
तो अब सपा के दलित दिवाली के जवाब में बीजेपी का ये कार्यक्रम है तो सियासत और ज्यादा अब गर्माती हुई दिखाई देगी। बीजेपी समरसता दिवस के रूप में मनाएगी अंबेडकर जयंती को और सपा की दलित दिवाली को लेकर ये एक तरीके से जवाब माना जा रहा है। इसके जवाब में अंबेडकर जयंती मनाएंगे, दो दिवसीय कार्यक्रम होगा, समरसता दिवस के रूप में मनाएगी अंबेडकर जयंती को बीजेपी पार्टी। तो अंबेडकर जयंती पर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। खबर सीतापुर से, मास्क ना पहनने वालों से पुलिस ने बदसलूकी की है, युवक को थप्पड़ मारने लगा, यहां पर मारने का ये आरोप लगा है। बता दें शहर में सीओ सिटी एसडीएम के सामने बदसलूकी की गई है, युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तो ऐसे में ठीक है सख्ती की जानी चाहिए, लेकिन खुलेआम थप्पड़ मारना बदसलूकी कहलाई जाएगी। तो मास्क ना पहनने वालों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, युवक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तो शहर में लगातार कोविड के नियमों का पालन कराने के प्रशासन को आदेश मिले हुए, सीओ सिटी एसडीएम के सामने बदसलूकी की गई है शहर में। तो फिलहाल सख्ती करने के आदेश जरूर हैं, लेकिन बदसलूकी करने के बिल्कुल नहीं। हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। हिमांशु, युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है यहाँ पर और मास्क ना पहनने वालों के साथ बदसलूकी की जा रही, क्या कुछ सामने आ रहा? देखिए ये कल शाम का वीडियो है जिसमें पुलिस जो है शहर में निकलती है, नवरात्रि से एक दिन पहले लोगों की भारी भीड़ जब मार्केट में थी तो उस दरमियान पुलिस ने लोगों को पहले तो मास्क ना पहनने पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ पुलिसकर्मी आग बबूला दिखाई दिए। इस दरमियान आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल से जो सवार है उसके थप्पड़ मारता है पीछे से। वहीं एक दूसरा भी वीडियो इसी में चल रहा है जिसमें कि एक दरोगा द्वारा एक व्यक्ति को मास्क ना पहनने पर कोतवाली ले जाकर मास्क पहनाने की धमकी देते हुए एक तरीके से दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये मास्क न पहनने पर सीतापुर पुलिस किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रही है ये साफ तौर पे दिख रहा है, और वो भी तब जब सीओ सिटी पीयूष सिंह और एसडीएम सदर अमित भट्ट वहां पे मौजूद रहते हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर हरदोई से, रिश्वत के लेन देन में मैनेजर ने मारपीट की है, दबंगों के साथ मिलकर पीड़ित को पीटा है, 3 लाख रुपए के लोन पर 45,000 की रिश्वत ली गई, ये सूत्रों के अनुसार तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। रिश्वत की और मांग पूरी न करने पर यह मारपीट की गई थी। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के मुनेमिया चौराहा की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मेरे पास 10 मोबाइलों में सबूत हैं। मुकेश बाबू आज पैसा देने को इन्होंने कहा था। देखिए पैसे के लेन देन को लेकर बातें भी बोली जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो जालौन से खबर, पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, आधा दर्जन बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 बदमाश मौके से फरार हुए, तलाश उनकी जारी है। रेढ़र थाना क्षेत्र के नावली जंगल का यह मामला बताया जा रहा है और घायल बदमाश एमपी का रहने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है घायल बदमाश, जिसका नाम भूपेंद्र उर्फ निक्की है। बदमाश भूपेंद्र उर्फ निक्की पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कितने लोग थे? 7 जने। कितने लोग थे? 7 जने। 7 लोग थे, कौन कौन थे, क्या नाम उनका? मनोज गुर्जर, बंटी गुर्जर, सुभाई गुर्जर, बच्चा गुर्जर। आप उनके साथ थे? मैं गाड़ी चला रहा था। अब भाई सर क्या करते हैं ये लोग? आप इससे पहले क्या करते थे? पुलिस में था। कहाँ की पुलिस में था?
मुरैना मध्य प्रदेश पुलिस में। अभी आप ड्यूटी पे रहे हैं कि बर्खास्त? क्यों बर्खास्त क्यों की है? गैर हाजिरी चलते हुए। अच्छा, तो ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कहाँ कहाँ चोरियाँ की हैं? सर, इन लोगों के साथ में 5 जगह आए हैं, दो ज़्यादा में, एक माधवगढ़। कहाँ के रहने वाले हैं ये सभी लोग? आप ग्वालियर थाना एडर क्षेत्र में आज दोपहर लगभग 3-4 के बीच में नावली ग्राम के आसपास एक संदिग्ध सफारी स्टोर गाड़ी दिखाई दी, जिसकी पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो गाड़ी में सवार थे, अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। इसमें 6-7 लोग पूरी गाड़ी में थे। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ निक्की के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जनपद में, जो आपका जालौन जनपद है, इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई प्रकार की चोरियां, घरों में घुसकर चोरियां की हैं। इसके अलावा इसके गैंग में जो और 6-7 लोग हैं, उन पर भी भिंड में और ग्वालियर में लगभग 25-30 मुकदमे, ये बता रहे हैं कि चोरी के, हत्या के, लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। हार्डकोर क्रिमिनल का गैंग है 7-8 लोगों का, जिनके पास में एक सफारी गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाड़ी को बदल बदल के विभिन्न जिलों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जनपद ललितपुर में, जनपद झांसी में, जनपद जालौन में और मध्य प्रदेश में घरों में घुसकर चोरी की घटनाएं। और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के बाद कलश की स्थापना की जा रही है। तो कोरोना काल में मंदिरों से श्रद्धालुओं को दूर भी रखा जा रहा है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को दर्शन की इजाजत मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज के तक्षक तीर्थ मंदिर में कोरोना से मुक्ति के लिए 10 महाविद्या का हवन किया जाएगा। 9 दिनों तक लगातार आहुतियां देकर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना कर मां भगवती से की जाएगी। यहां पर 9 दिनों में 1,25,000 आहुतियां दी जाएंगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गोले बनाए गए हैं ताकि 2 गज की दूरी के साथ वो माता रानी के दर्शन कर सकें। इसके साथ ही माता की मूर्ति को छूने पर भी पाबंदी लगाई है। चूँकि कोरोना के सानिध्य में ये तीसरी नवरात्रि है हम लोगों की, और कोरोना के मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, मन से निकट तन से दूरी है ना, तो सभी लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें, मूर्ति स्पर्श का प्रयास ना करें, इन सब के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है पूरे नवरात्रि महाविद्या का यज्ञ करके कि हमारा देश कोरोना से जल्दी मुक्त हो, इसी कामना के साथ महाविद्या का हवन किया जाएगा। गोला भी बनाया है क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? हाँ, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए ये रिंग गोले बनाए गए हैं कि लोग इतनी इतनी। संगम नगरी प्रयागराज में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत में मंदिरों में कोविड नियमों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुगण सुरक्षित रहें और अपनी आराधना भी कर सके। इसके लिए मंदिरों में गोले बनाए गए हैं। गोले बनाए जाने के साथ ही सैनिटाइजिंग की व्यवस्थाएँ की गई हैं कि जो भी श्रद्धालुगण मंदिर में आए वो सैनिटाइज रहें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ताकि भक्त सुरक्षित रहें और आराधना सुरक्षा के साथ करें। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, तक्षक तीर्थ, प्रयागराज। खबर चित्रकूट से। मंदिरों में कोरोना महामारी का असर दिखा है। बता दें, मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पूजा करते दिखे हैं यहाँ भक्त। कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल भी होता नहीं दिखाई दिया है। तो प्रशासनिक इंतजाम यहाँ पर देखे गए लेकिन लोग उनका पालन करते हुए नहीं दिखे। पुराना बाजार स्थित काली देवी का प्राचीन मंदिर है जहाँ की ये तस्वीरें हैं।